हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोस्टेक सॉल्यूशन में और मैं फ्रोज सेफ आज आपके लिए लेकर आया नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा यामा R15 वर्जन 3 मोटो जीपी एडिशन के बारे में। मैं बात करने वाला हूं इसके प्रोस और कॉन्स के बारे में, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है यामा का R15 वर्जन 3 मोटो जीपी एडिशन जिसको मैंने हाल ही में परचेस किया है चंडीगढ़ से। अलग अलग स्टेट में इसके प्राइस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल चंडीगढ़ में ये पड़ता है 1,47,000 में, और अगर दिल्ली की प्राइस की बात करें तो ये ऑन रोड दिल्ली में पड़ जाएगा 1,52,000 रुपीज़ में। तो ये है नॉर्मल R15 वर्जन 3 से किस तरह डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये R15 वर्जन 3 मोटो जीपी एडिशन में जो मेन डिफरेंस है वह है ग्राफिक्स का। इसमें मूवीस्टार और न्यूज के जो ग्राफिक्स फ्रंट हैंड पर और उसके हेडलाइट के ऊपर दिए हुए हैं वही इसका मेन डिफरेंस है। एक्चुअली इसका जो मेन स्पॉन्सर है मूवीस्टार और न्यूज का है और ये ग्राफिक्स पे लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये नॉर्मल R15 से लगभग 4,000 कॉस्टली पड़ जाता है। तो दोस्तों, अगर इसकी लुक की बात करता हूँ, इसका बहुत ही खूबसूरत लुक है, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक है। 155cc इंजन में अगर आप कोई बाइक देखना चाह रहे हो तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जिसको शौक़ है स्पोर्ट्स बाइक रखने का, उसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैंने कंपेयरिंग किया है इसका CBR से, KTM से, इस प्राइस रेंज में उससे बेस्ट बाइक आई थिंक नहीं हो सकती। और यामा की एक ख़ास बात है कि यामा कंपनी में अगर आप इसका सर्विस मेंटेन करें, इसका इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लगभग 5 साल तक कुछ भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ ये R15 वर्जन 3 से और इसमें क्या डिफरेंस है। इसका जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक के ऊपर का जो बॉडी कलर है वो टोटल ब्लू है। इसके अलावा जो इसका हेड पर जो इसका कलर है टोटल वो भी ब्लू है, जबकि नॉर्मल R15 वर्जन 3 में जो इसका कलर है वो ब्लैक दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें MRF के टायर्स दिए हुए हैं जो कि काफ़ी मजबूत हैं, और इसकी बॉडी काफ़ी अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। इसका कलर जो है कलर ब्लू कलर बहुत ही अच्छा है, जो कि ये इंस्पायर हुआ है R1 से और R3 से, जो कि लगभग 4 लाख की बाइक है। ये आप वो मिनी R1 बोल सकते हो उसको या मिनी R3 बोल सकते हो। ये मैंने इसीलिए परचेज़ किया क्योंकि मुझको 150cc में ऐसी बाइक चाहिए थी जो कि लुक में बहुत बेस्ट हो। ये देखिए, और अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसमें आता है 155cc इंजन जिसकी मैक्सिमम पावर है 19.3 HP एट द रेट 10,000 RPM पर, मैक्सिमम टॉर्क 15 mm एट द रेट 8,500 RPM पर। गियर्स की बात करूं तो इसमें गियर्स आते हैं 6, और इसका वेट है 139 kg, ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm, और हाइट है इसकी 815 mm। फ्यूल टैंक इसका आता है 11 लीटर्स का, जो कि पेट्रोल टैंक होता है, और इसकी टॉप स्पीड है 136 किलोमीटर प्रति आवर्स की। और अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ तो मैंने इसको खुद ड्राइव किया है, लगभग 500 किलोमीटर ड्राइव कंटिन्यू किया है, तो इसका माइलेज आता लगता 50 किलोमीटर्स पर लीटर का, 45 to 50 किलोमीटर पर लीटर का इसका माइलेज आता है। चलिए इसकी टेस्ट ड्राइव करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये था इसका टेस्ट ड्राइव। चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके प्रोज की। तो पहला नंबर इसका प्रोज आता है इसका लुक एंड डिज़ाइन। जी हाँ, इसका जो लुक एंड डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फैंटास्टिक और अट्रैक्टिव है, जो कि एक सुपर बाइक को रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक ये R1 और R3 के कॉम्बिनेशन वाला लुक आपको इसमें देखने को मिल सकता है। दूसरा अगर इसके प्रोज की बात करते हो, इसमें है VVS टेक्नोलॉजी आई थिंक, ये जो कि एक लीनियर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है 150cc इंजन के साथ।
तीसरा इसका प्रोज है परफॉर्मेंस, जो कि इसको टॉप स्पीड जो इसमें नापी गई है 136 किलोमीटर प्रति आवर्स की इसमें स्पीड नापी गई है, और 0 से लेकर 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेता है ये 10.5 सेकंड्स में, जो कि बहुत ही क्विक स्पीड है इन 150 सीसी सेगमेंट्स की बाइक में। चौथा जो इसका प्रोज है वो इसका डिजिटल मीटर, जो डिजिटल मीटर है वो कॉपी किया गया है स्पोर्ट्स बाइक से, जिसमें आपको देखने को मिल सकता है गियर इंडिकेटर, टॉप स्पीड बताने वाला ऑप्शंस और बहुत से एडवांस फीचर्स। नंबर 5 इसका प्रोज है इसका एलईडी हेडलैम्प। जी हाँ, जो इसका एलईडी हेडलैम्प है एक सुपर बाइक वाला लुक प्रोवाइड कराता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। और नंबर 6 इसका प्रोज है वो है वाइड टायर। जी हाँ, R15 सीरीज़ में 3.0 वाला जो सेगमेंट आया है, इसमें जो टायर यूज़ किए गए हैं जो बहुत ही वाइड हैं, जो कि है 100/18-17 और 140/70-17। और अगर इसके व्हील साइज़ की बात करें तो 17 इंच का इसमें व्हील साइज़ यूज़ किया गया है, जो कि अलॉय व्हील के साथ आता है और डिस्क ब्रेक के साथ आता है। अगर इसके अगले प्रोज की बात करें तो उसमें आता है स्लीपर क्लच। जी हाँ, जो कि हमें गियर शिफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथली प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं चलिए इसके कोन्स की। तो सबसे पहले इसका कोन्स जो देखने को मिलता है, सबसे बड़ा कोन्स है इसका ABS नहीं मिलता है इसमें। जी हाँ, 2019 के सेगमेंट में ABS सभी में होना चाहिए, ये एक नॉर्मल बात है कि 155 सीसी के सेगमेंट में ABS आना ज़रूरी है। दूसरा इसका कोन्स की बात करता हूँ तो इसका है सेटिंग पोस्चर। जी हाँ, 40-50 किलोमीटर अगर आपको बाइक को राइड करना है तो सेटिंग पोस्चर में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, बट यदि आप इससे ज़्यादा राइड करना चाहते हो तो आपका शोल्डर पेन, बैक पेन हो सकता है। अगला इसका कोन्स की बात मैं करता हूँ तो इसका जो लैंप है, इसकी जो हेडलाइट है वो नाइट विजन में बहुत ही कम है, जो कि मुझे जो फील हुआ बहुत ही स्लो लाइट फील हुई, जो कि आपको भी फील हो सकता है। अगला इसके कोर्स की बात करता हूँ तो इसके प्लास्टिक क्वालिटी, आई थिंक इसकी प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और बहुत ही ज़्यादा इजी यूज़ की गई है। और अगर बात करें अगले इसके कोर्स की तो इसमें विजिबल वेल्डिंग है, विजिबल वेल्डिंग इसमें नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों, आपको ये बाइक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और आपको मेरे वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है, जैसा भी हो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।